अभी कुछ घंटे पहले ही हमारे चैनल ने आपको नेतन्याहू के घर, उनके निजी आवास पर जहां वो रहते हैं, उस पर हुए हमले की सीधी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से नेतन्याहू के घर को हिजबुल्ला ने निशाना बनाया और इसराइल की सुरक्षा धरी की धरी रह गई। आयरन डोम फिर से एक बार फुस हो गया और अब नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के बाद उनकी वाइफ सामने आई है दोस्तों, उनकी धर्म पत्नी, नेतन्याहू की धर्म पत्नी सामने आई है। वो किस तरह से दहल गई है, हिजबुल्ला के ड्रोन ने उन्हें किस तरह से दहला दिया है आपको बताऊंगी दोस्तों। और हिजबुल्ला ने एक साथ कितने रॉकेट, कितने ड्रोन नेतन्याहू के घर पर दागे ये भी बताऊंगी, इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी। और ये भी बताऊंगी कि नेतन्याहू हमले के वक्त घर में थे या नहीं। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि इसराइली अधिकारी ने नेतन्याहू की हत्या को लेकर क्या बड़ा दावा किया है, और साथ ही दिखाऊंगी कि हिजबुल्ला ने किस तरह से इसराइल पर एक के बाद एक हमले किए हैं जिससे उत्तरी इसराइल में तबाही मच गई है। IDF खुद परेशान हो गया है कि अब करे तो क्या करे। पूरी खबरें विस्तार से देखेंगे, बस आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। दोस्तों आपको ये तो पता है कि नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कितने हमले हुए, कितने ड्रोन इसराइल में घुसे? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए। इसराइली सेना के अनुसार 2 को सफलतापूर्वक उसने नष्ट कर दिया, लेकिन तीसरा ड्रोन इसराइल के सुरक्षा जहाजों आयरन डोम को चकमा देकर पछाड़ कर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास तक पहुंच गया और उसे निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि प्लानिंग के साथ, किस प्लानिंग के साथ नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले के बीच लोगों को कोई वार्निंग नहीं मिली। मसलन इसराइल का सुरक्षा कवच यानी कि वार्निंग सिस्टम आमतौर पर किसी भी हमले को भाप लेता है और सायरन के जरिए लोगों को चेतावनी मिलती है, चेता देता है। हालांकि नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने वाले ड्रोन का पता ही नहीं चल पाया, जो वार्निंग सिस्टम है वो पता ही नहीं लगा पाया नेतन्याहू के पास, जो नेतन्याहू के घर के पास जो ड्रोन पहुंचा था उसका। ड्रोन के हमले से पहले इसराइल के किसी भी इलाके में चेतावनी के सायरन नहीं बजे थे दोस्तों। जब ड्रोन सुरक्षा के लिए लगे सैन्य हेलीकॉप्टर से आगे निकल गया, तब उसे सैन्य हेलीकॉप्टर चेज करता हुआ दिखा। अब इस हमले का जिम्मेदार दोषी इसराइल ईरान को ठहरा रहा है। इसराइल के एक सीनियर अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ईरान बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की कोशिश कर रहा है। इसराइली मीडिया चैनल 12 ने शनिवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कराने की कोशिश की है। चैनल 12 के मुताबिक इसराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में ईरान के शामिल होने की पुष्टि की है, ऐसा दोस्तों TV9 की एक खबर में बताया गया है। हालांकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त तक ईरान की तरफ से इसराइल के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्ला का ड्रोन पहुंचने के बाद अब उनकी पत्नी का बयान जरूर सामने आया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं दोस्तों कि दोनों हमले के वक्त घर पर नहीं थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू उस वक्त घर पर मौजूद थी और उनका बयान भी सामने आया है। जब हिजबुल्ला का ड्रोन उनके घर के पास धमाका करता है, तब वो कपड़े टांग रही थी और धमाके की आवाज से डर गई। मतलब साफ है दोस्तों कि नेतन्याहू की पत्नी भी इस घटना से बेहद आश्चर्यचकित है कि इतनी सुरक्षित क्षेत्र में हिजबुल्ला की तरफ से ड्रोन हमले को कैसे अंजाम दे दिया गया। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हिजबुल्ला इसराइल से कितना शक्तिशाली है। खुद इसराइली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल अमोस डायलिन ने बताया है, उन्होंने बताया था कि हिजबुल्ला आज मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। उनके पास यूरोपीय सेनाओं से भी बेहतर हथियार है और उनकी ऑपरेशन क्षमता बेहतरीन है। इसराइल के पास उन्हें नष्ट करने की क्षमता नहीं है और हिजबुल्ला ने इसराइल की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को आज चकमा देते हुए प्रधानमंत्री के निजी आवास पर हमला करके इस बात को साबित भी कर दिया कि वो इसराइल से ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास बेहतरीन हथियार
और ऑपरेशन क्षमता है। दोस्तों, एक तरफ ड्रोन से नेतन्याहू के निजी आवास को हिजबुल्ला ने निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों ने इसराइल के कई हिस्सों को निशाना बनाया है और इसराइल को हिला कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार हिजबुल्ला के रॉकेट सीधे हाइफा के क्रायोट एरिया और अक्का में गिरे हैं। अक्का में एक गाड़ी पर रॉकेट गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। क्रायोट एरिया में लगातार 10 से अधिक विस्फोट की खबरें आई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसराइल का मशहूर रॉकेट सुरक्षा सिस्टम आयरन डोम इन रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। सफद में भी कई रॉकेट गिरने के बाद वहां से भी नुकसान की खबरें आई हैं दोस्तों। इसके अलावा श्लोमी और किरियात अता में लगातार हो रहे रॉकेट हमलों से अब तक 5 लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, हाइफा के किरियात अता इलाके में 9 लोग और शमोली में 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्ला के ताजा हमलों से घायलों की संख्या 13 हो चुकी है। इन हमलों की वजह से हाइफा और उसके आसपास के इलाके में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से हिजबुल्ला के रॉकेट आसमान में नजर आ रहे हैं। श्रोमी में हमलों के बाद आग की लपटें उठ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हिजबुल्ला के रॉकेटों ने इन इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यहाँ के लोगों को फिर से बंकरों के पास रहने की सलाह दी गई है क्योंकि और भी हमले होने की आशंका है। दोस्तों, इसराइल के मीडिया में कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने आज सुबह से ही 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जो इसराइल के लिए गंभीर खतरा साबित हो रहे हैं। दोस्तों, ये हमले इसराइल में बहुत तनाव और तबाही पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हिजबुल्ला इसराइल की कमर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन हमलों को देखते हुए ऐसा ही संकेत मिल रहा है। इन सब के बीच जॉर्डन में गाजा के समर्थन में रैली हो रही है, खासकर जबालिया कैंप के लिए। वहां के लोग गाजा के लोगों के साथ एकजुट दिख रहे हैं। देखिए रैली की वीडियो। दोस्तों, इस पूरी स्थिति से साफ हो जाता है कि इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, कमजोर हो रही है। जिस तरह से हिजबुल्ला ने एक के बाद एक हमले करके इसराइल के उत्तरी हिस्सों को निशाना बनाया है, वो इसराइल के लिए गंभीर चिंता का विषय है। खासकर नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन हमले के बाद ये साफ है कि हिजबुल्ला के पास इसराइल के सुरक्षा तंत्र को चकमा देने की क्षमता मौजूद है। इसराइल में अब भी तनाव का माहौल है और रॉकेट हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जॉर्डन, लेबनान और अन्य जगहों पर गाजा के समर्थन में होने वाली रैलियां ये दिखाती हैं कि पूरे मध्य पूर्व में इसराइल के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। ये संघर्ष कब और कैसे थमेगा, ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। ये कहना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इसराइल की सुरक्षा नीति हिजबुल्ला के आगे कमजोर पड़ रही है। दोस्तों, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं मिसबा खान आपसे फिर मिलूंगी नई जानकारी और ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।